आपकी जहाँ धवल जी होंगे अब मैं वहां नहीं रह सकती। ऐसा नहीं कहते दीकर, बेटा धवल जी तुम्हारे पति हैं। आखिर बेटा पति पत्नी के बीच ऐसी गलत फहमियां तो होती रहती हैं। तेरी इस काकी ने हर बात में तेरा साथ दिया है, आगे भी देती रहूंगी। लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, एक बार धवल जी के साथ बैठकर अपनी सारी शिकवे शिकायत, अपनी सारी गलत फहमियां सुलझाने की कोशिश तो करके देख बेटा। तो काकी आप ये कहना चाहती हैं कि मुझे उस आदमी से अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए जिसने मुझ पे हाथ उठाया। क्या धवल कुमार ने तुम पर? हाँ काकी, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। नहीं किंजल, नहीं मेरे बच्चा, बस चुप हो जा, चुप हो जा बेटा। राधा अपने बच्चे को संभालने के लिए पूरी तरह सक्षम है। लेकिन अगर इन लोगों को ये पता चल गया कि राशि मेरे पास भी नहीं है तो ये लोग मुझे जंगल की भेड़ियों की तरह नोचे डालेंगे। भगवान के नाम पर दे दे बाबा, दादा के नाम पे दे दे। दे दो बच्ची के लिए कुछ, दे दो, दे दो। शर्म नहीं आती तुझे? एक अंधे भिखारी कटोरे से पैसे चुरा रही है। छोड़िए मेरा हाथ, मेरे हाथ क्यों पकड़े? छोड़िए। कैसे छोड़ दूं? देखो भाइयों देखो, ये औरत अंधे कटोरे से पैसे चुरा रही है। तुम्हारी इतनी हिम्मत बेशरम, आपने मुझे धक्का मारा। हिम्मत ए छोरी, क्यों परेशान कर रही है? मारो इसे, मारो। चुराने की कोशिश कर रही है। अभी ये ऐसे नहीं मानेगी, अभी इसको पुलिस के हवाले ही कर देते। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अरे सीधा टिकट कटा लो और निकल जाए यहाँ से। तू जानती नहीं है हम कौन है, हमारी पूरी गैंग है, समझी? चल निकल जाए, निकल जाए यहाँ से। माँ जी, अब तक तो राधा ने शायद न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ लिया होगा। हेलो, मैंने पढ़ लिया है जो आप लोगों ने अखबार में छपवाया। हाँ राधा, जब तूने पढ़ लिया है अखबार में और तू देख भी रही कि तूने जैसा चाहा वैसा ही हो रहा है, तो अब
तो राशि को हमें लौटा दे। इतनी भी जल्दी क्या गोपी बहन, पहले मेरी दूसरी शर्तें भी तो पूरी कर लो। दूसरी शर्त? क्या शर्त? लो भूल गई, पैसे कौन मेरे चाचा देगा? 25 लाख लेकर 1 घंटे में घाट पर पहुंच जाओ। क्या 25 लाख? और वो भी 1 घंटे में? 1 घंटे के अंदर हम इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? बकवास बंद करो गोपी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि 25 लाख मोदी परिवार के लिए तो चिल्लर के समान है। तो अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, जैसा मैं कह रही हूँ ना वैसे जल्द से जल्द करें। दादा मेरी बात समझने की कोशिश कर। इतने अब सुनने समझने के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है गोपी, 1 घंटे में पैसे जल्द से जल्द घाट पर पहुंच जाने चाहिए, समझी? क्या हुआ गोपी, क्या कहा उसने? हाँ जी, दादा ने कहा कि 1 घंटे के अंदर उसे 25 लाख रुपए चाहिए, वो भी घाट के पास बुला रही है सबको। इसका तो यही मतलब हुआ कि राधा आसानी से मानने वालों में से नहीं है और वो किसी भी कीमत पर पैसों को लेकर ही छोड़ेगी। तुम एक काम करो, अहम को फोन लगाओ और उससे कहो कि मैंने 25 लाख अभी के अभी मंगवाए। माँ जी मैं अभी लगाती हूँ। हेलो सासू माँ, हम ये विधि क्यों करते हैं? इस स्थान पर नर्मदा और कावेरी का संगम होता है, इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो इस संगम पे अपने परिवार की खुशी के लिए एक के ऊपर एक पत्थर रखने से अपना परिवार जुड़ा रहता है। ऐ भोलेनाथ, हमारे परिवार को हमेशा सलामत रखना। माजी, मैंने अहम जी को बता दिया है, उन्होंने कहा है कि पैसों का इंतजाम हो जाएगा। चलो मेरे साथ। क्या हुआ माजी? गोपी वाओ, तुम देख रही हो ये सब कैसे एक के ऊपर एक पत्थर रख के इकट्ठे कर रहे हैं? हाँ माजी, पर इन सबका मतलब क्या है? मैं बताती हूँ, आओ। गोपी वाओ, यहाँ पर सास और बहू एक साथ मिलकर एक के बाद एक पत्थर रखते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। जिस तरह से एक के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनता है, ठीक वैसे ही भोलेनाथ महादेव से वे प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार की एकता भी बनी रहे। ये मेरे घर और परिवार के लोगों की सुरक्षा के लिए। ये हमारे परिवार की एकता के लिए और ये परिवार के स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि के लिए। और ये हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के लिए। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार की हमेशा रक्षा कीजिएगा। हे महादेव, मेरा परिवार मेरी पोती राशि के बिना अधूरा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर नतमस्तक प्रार्थना करती हूँ, मेरे परिवार को पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। पैसे देना है तो दे, बच्चे को क्यों हाथ लगाती है? क्या हुआ गोपी बहू? माँ जी वो बच्चे ने रोक लिया। हिम्मत रखो, हमारी राशि को कुछ नहीं होगा। चलो
अहम दिख रहा, पैसों का बंदोबस्त हो गया। बबू बहन, आप राधा को पैसे दे दीजिए और इससे मेरी राशि को वापस ले लीजिए। क्या रखें? मैं आपकी आपकी तुम सबको याद है ना मैंने क्या कहा है? हम सबको सतर्क रहना होगा क्योंकि हम राधा का भरोसा नहीं कर सकते। यदि राधा चुपचाप हमारी राशि बिटिया को वापस दे देती है तो राधा के खिलाफ हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें चुपचाप राशि बिटिया को वापस ले लेना है। उसके बाद राधा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कानून की जिम्मेदारी है। आप ठीक कह रही हैं। राधा ने गोपी को अकेले बुलाया है, पर गोपी अकेली नहीं, हम सब उसके साथ जाएंगे। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरिया 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।